इस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर दानिश लीग का मैच हो रहा है MIDT वर्सेस कॉपन हैगन के बीच 11:30 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो MIDT और कॉपन हैगन में मैं फेवर करूँगा यहाँ पर दोनों साइड को, क्योंकि दानिश लीग के अंदर ये दोनों टीम्स टॉप थ्री के अंदर रैंक करती हैं। दूसरे नंबर पर MIDT, तीसरे नंबर पर कॉपन हैगन, तो दोनों के गोल आने की तगड़ी संभावना है। दोनों तरफ से ज़बरदस्त गोल होने वाले हैं आज के मैच में, ना भी हुए तो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड मैच रहेगा। अगर दो गोल ये करेंगे तो सामने वाली टीम भी दो गोल करने का दम रखेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाई साहब एक जैसा मैच है। ये दोनों टीमें एक तरफ एक अच्छी, मतलब बिल्कुल एक जैसी हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, फेवर की जहाँ तक बात है तो आप मेरे से ना ही पूछो, क्योंकि MIDT और COP में किसी एक को फेवर करना मैं आपको कह रहा हूँ मुश्किल है। सो सीधा हम स्ट्राइकिंग पे चलते हैं। स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहले जो आपने प्लेयर डन करना है उसका नाम है सी ग्योसंग। इसको गलती से भी मत छोड़ देना, क्योंकि इस बंदे का इंटरनेशनल लेवल रिकॉर्ड ज़रूर बेकार था इस साल, लेकिन ये बंदा अंदर से बेकार नहीं है दोस्तों। एक्चुअली ही बिलोंग्स फ्रॉम चाइना या कोरिया, नहीं कोरिया चाइना दी कोरिया से बिलोंग करता है। तो वहाँ पर बड़ा ख़तरनाक इसका गेम प्ले रहता था पहले, क्योंकि पहले एक K1 लीग में खेलता था। यहाँ पर ये आया तो इसके लिए वो एक प्रोग्रेस थी, और यहाँ पर गोल करना इसके लिए बहुत मायने रखता है। सो मैं इसको लूँगा। उसके बाद अभी इनका डी ऑसरोई चल रहा है, बट मैं क्या है कि उसके ऊपर इतना बड़ा रिस्क मैं ले नहीं सकता। सो मैं वी क्लासन को लूँगा। क्लासन के बाद देखिए, कॉर्नेलियस खेला, ओस्टियन खेला, ई हॉजलैंड खेला, उनको बात की बात है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि पिछले मैच में भी मेरे को लग रहा था खेलेंगे, बट इन्होंने खिलाया नहीं। इसलिए हम सीधा आएंगे मिडफील्डिंग पे। मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर मैंने MLONCHIO को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था, क्योंकि MLONCHIO है भाई दमदार प्लेयर है, उसके अंदर है वो चीज़, वो क्षमता जो गोल करने में बिल्कुल इसका साथ देगी। उसके बाद EHORI और डी गोंकलेव्स को लूँगा। MATSON मेरा दुर्भाग्यवश छूट गया, मुझे पता है MATSON को छोड़ना बहुत रिस्की है, लेकिन भाई मैं कितने प्लेयरों को लूँ यार। आप समझदार हो, मैंने क्लासिन को ले लिया, MLONCHIO को ले लिया, डी गोंकलेव्स ले लिया, EHORI ले लिया, अब मैं पाँचवा प्लेयर भी एक ही टीम का कैसे ले लूँ। अब ये तो देखो, हमें कहीं ना कहीं संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब आप बोलो कि तू इसको भी ले, वो तो भाई इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मैं नहीं ले सकता। और ऑपोजिशन टीम की अब हम बात करें, देखिए ऑपोजिशन टीम के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस तो है नहीं, उनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस हैं MIDT टीम के पास, कि कौन अच्छा है कौन नहीं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है KOLSON का भी गेम प्ले इतना खास नहीं है, और ना ही OSORENSEN का, ठीक है। आपको पता है कि इस टीम की सिर्फ स्ट्राइकिंग थोड़ी बहुत चलती है, जिसमें कि कभी कभी ये डी ऑसरोई को बेचते हैं, कभी कभी ये ए सिमसिर को बेचते हैं। तो आप एक काम करो, आप ना ऐसा करो, ऑसरोई को उठाओ, ठीक है। मैंने अभी बड़ा ध्यान से सोचा, ऑसरोई को उठा के ना आप डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर आकर, यहाँ पर इनका एक प्लेयर है जिसका नाम है हेनरिक डॉल्सगार्ड, इसके साथ जाओ, क्योंकि डॉल्सगार्ड MIDT का बहुत ज़्यादा गोल करने वाला एक डिफेंडर है, जिसने कि दानिश लीग के अंदर बहुत कमाल किया था। तो मैं इसके साथ जाऊँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्लेयर वॉज KDICKS, एंड उसके बाद डी वेवरो, ठीक है। और फोर्थ डिफेंडिंग पर अगर बात करें तो वो आप मकेना जेलर्ट जो प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, ये कभी कभी चलते हैं। सो इनका इनकी जगह पर आप चाहो देन यू कैन गो विद MATSON ऑल्सो, या आपकी पूरी टीम प्रिपेयर हो जाएगी एक चेंज से। आप देखो ना टीम कितनी बढ़िया है, आपने सारे प्लेयर ले लिया, आपने क्लासन ले लिया, MATSON ले लिया, LONCHIO ले लिया, EHORI ले लिया, गोंकलेव्स ले लिया, और उनके टॉप गोल करने वाले दो प्लेयर ले लिए, सी ग्योसंग और H DOLSGARD। तो पूरी टीम डिवाइडेड है भाई पूरी, ठीक है। तो बात करें कप्तान की, देखो कैप्टन मेरा ऐसा है कि मैं कैप्टन बहुत सोच समझ के रखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि जिसको मन कर दिया रख दिया। तो मेरी नज़र में ना एक्चुअली EHORI तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको मुँह से साफ क्लियर बोल रहा हूँ। तो अगर आपने कप्तान रखा है तो आप ऐसा करो, आप LONCHIO को ट्राई करो, या फिर आप डी गोंकलेव्स को ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों ज़्यादा बेटर हैं। तो मैं LONCHIO को रखूँगा। वाइस कप्तान ऐसा है कि आप वो EHORI को रख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे कहने पर भी सी ग्योसंग के साथ नहीं जाओगे, इसलिए ये आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।